हेलो दोस्तों, आप लोग को मेरे चैनल गुलाब स्टडी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा अभिक्रिया और ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आप लोग को आसानी से समझ में आने वाला है। तो चलिए इस रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊर्जा अभिक्रिया है क्या, ऊर्जा अभिक्रिया से क्या बनता है, आप लोग को केमिकल रिएक्शन चुटकियों में समझ में आने वाला है। तो देखिए, ऊर्जा अभिक्रिया में होता क्या है, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तब एल्केन बनता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्केन बनता है। तो इसे अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड का फार्मूला होता है RX, ठीक है, जहाँ पर R एल्किल ग्रुप होता है और X जो होता है हैलाइड ग्रुप, हैलोजन तत्वों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ, ठीक है, ये सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब क्या बनता है, एल्केन बनता है। तो देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए इस समीकरण को। यहाँ पर एल्किल हैलाइड को दो बार लेने वाले हैं और सोडियम को भी दो बार लेने वाले हैं, तब यहाँ पर क्या बनता है, देखो एल्किल हैलाइड में ऋणात्मक भाग हैलाइड ग्रुप होता है और धनात्मक भाग एल्केन होता है, मतलब एल्किल ग्रुप होता है, और यहाँ पर सोडियम दो बार है। तो ये सोडियम जो होता है, और जानते हो सोडियम में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सोडियम जो होता है हैलाइड ग्रुप को लेकर चला जाएगा, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए R ग्रुप एल है ना, एल्किल ग्रुप दो बार है, वह आपस में जुड़ जाएगा RR, और ये यही होता है एल्केन, ठीक है। तो देखिए, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आर ग्रुप में, जैसे कि इसको और एक और तरीका से समझ सकते हो, यहाँ पर और बता रहा हूँ, RX+ इस सोडियम को मैं सेंटर में ले रहा हूँ, मध्य में, और यहाँ पर XR, देखिए यहाँ पर ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, RX दोनों एल्किल हैलाइड है, यह सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करती है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तब यहाँ पर देखिए, ये जो सोडियम जो है दोनों हैलाइड ग्रुप को लेकर चला जाएगा, मतलब X ग्रुप को लेकर चला जाएगा, और बचा क्या, ये RR, वो आपस में जुड़ कर क्या बना लेगा, एल्केन बना लेगा, ये सोडियम हैलाइड बन जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर R के जगह में मेथिल समूह ले सकते हो और X के जगह में हैलोजन तत्वों का ग्रुप ले सकते हो। चलो यहाँ पर मैं क्लोरीन को ले लेता हूँ, और देखो ये दो बार सोडियम, और यहाँ पर X के जगह में चलो क्लोरीन ही ले लेता हूँ, R के जगह में CH3 ही ले लेता हूँ, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है। तब यहाँ पर सोडियम जो है दोनों क्लोरीन को लेकर चला जाता है, और CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएगा, CH3 CH3 आपस में जुड़ जाएगा, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर इसका नाम को लिख देता हूँ, मेथिल क्लोराइड, और इसको तो आप लोग जानते हो सोडियम है, ये भी है मेथिल क्लोराइड, ये है एल्केन, और इसका नाम है, दो कार्बन है इसका, मतलब इसका नाम है एथेन, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझिए, ऊर्जा अभिक्रिया बहुत ही सरल है, ठीक है। यहाँ पर एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, जब एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है, तब एल्केन बनता है। इसी अभिक्रिया को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया। ये भी ऊर्जा अभिक्रिया की तरह है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ, है ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तब टॉलुइन बनता है। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है, जब क्लोरोबेंजीन को, है ना, सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ,
है ना, ईथर की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। इसी रिएक्शन को ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका केमिकल रिएक्शन ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Cl, या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है बेंजीन रिंग के साथ ये क्लोरीन जुड़ा रहता है, ये है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। इसी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, देखो सोडियम धातु, ठीक है, ये हो गया सोडियम धातु, और ये मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। ये किसकी उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करा देते हैं। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सोडियम धातु को दो अणु लिया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि सोडियम में पॉजिटिव चार्ज होता है और वह नेगेटिव चार्ज को लेकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए, क्लोरीन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर भी क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये सोडियम जो है ये दोनों क्लोरीन को लेकर जाने वाला है। ठीक है, ये सोडियम जो है दोनों क्लोरीन को लेकर चला जाएगा, तो ये दो बार NaCl बना लेगा। यहाँ पर लिख देते हैं दो बार NaCl। अब बचा क्या, देख लीजिए यहाँ पर CH3 ग्रुप बचा है, मेथिल ग्रुप बचा है, और यही मेथिल ग्रुप जो होता है यही बाँड में आकर जुड़ जाता है। ठीक है, इसी बाँड में आकर जुड़ जाता है जहाँ पर क्लोरीन बाहर निकला रहता है, और यही है टॉलुइन, इसी को बोला जाता है टॉलुइन। तो इसमें क्या बन गया, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तब क्या बनता है, टॉलुइन बनता है, और इसी अभिक्रिया को ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।